राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सध्या सुरू आहे आणि पहिल्या फेरीमध्ये द्रौपदी मुर्मू या एनडीएच्या उमेदवार आघाडीवर आहेत. आतापर्यंत द्रौपदी मुर्मू यांना 540 तर यशवंत सिन्हा यांना 208 मतं मिळाली आहेत. 18 जुलै रोजी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली आणि त्यानंतर आज सकाळी 11 वाजल्यापासून संसद भवनात मतांची मोजणी सुरू झाली आहे. एनडीएकडून राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय निश्चित मानला जातोय. जर मुर्मू यांचा विजय झाला तर या देशाच्या त्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती असतील. आणि ही जी आपण दृश्य पाहतोय ती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ओडिसा मधल्या मूळ गावांमधली. द्रौपदी मुर्मू यांच्या मूळ गावी सध्या जल्लोष सुरू आहे आणि त्याची ही दृश्य आपण पाहतोय. द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय झाला तर त्या देशातल्या पहिल्या महिला आदिवासी ठरतील. आदिवासी महिला असेल जी देशाच्या राष्ट्रपतीपदी म्हणजेच देशाच्या सगळ्यात मोठ्या पदावर विराजमान होईल आणि अर्थातच अवघ्या देशातल्या आदिवासी बांधवांसाठी हा एक मोठा क्षण असेल. आणि त्यामुळंच या क्षणाची आतुरतेनं वाट पाहत असतानाच आपल्या पारंपरिक पद्धतीनं तो क्षण साजरा करतात आदिवासी बांधव. ओडिसामधली ही दृश्य आहेत ज्या गावामधून द्रौपदी मुर्मू येतात त्या गावामधल्या आदिवासी बांधवांनी आत्तापासूनच जल्लोषाला सुरुवात केलेली आणि सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक उत्साह दिसतोय. कारण एक मागे असलेला प्रगतीपासून काही कोस दूर असलेला समाज म्हणून ज्या आदिवासी समाजाची ओळख आहे त्याच आदिवासी समाजामधली एक महिला आज या देशाच्या सर्वोच्च पदाच्या निवडणुकीमध्ये आघाडीवर आहे. मैं हूं इस समय नेशनल हाईवे 220 पर, जहां पर एक और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और आज की जीत का आगाज करते हुए. घर के सामने हूं मैं, जहां पर उनके भाई रहते हैं, परिजन रहते हैं सब, और तैयारियां इसलिए पूरी हैं क्योंकि आज बड़ा दिन है. जहां एक ओर सैकड़ों मिठाई बांटने की तैयारियां हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की ओर से सारी सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है क्योंकि अब ये परिवार राष्ट्रपति का परिवार होने के लिए तैयार है. आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है. मतलब आज का दिन, मतलब अभी जो गिनती हो रहा ना उसका इंतजार में हम लोग है. उसके बाद हम जश्न तैयार करने में हम लोग लगा हुए हैं. आदिवासी परंपरा से, हम लोग के परंपरा से पूजा पाठ हो रहा है और कल से हमारे यहाँ करीब 10 से 20 हज़ार लड्डू मैंने तैयार हो चुकी है. हाँ, बंटेगी और आज शाम को हम लोग को यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा. जहाँ लड्डू बन रहे हैं रायरंगपुर में, जो उनकी एक ज़माने में विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन अब राष्ट्रपति का ज़िला गांव बनने की तैयारी कर रहा है मयूरभंज ज़िला का रायरंगपुर इलाका. लड्डू बने हैं यानी कि कम से कम 20 हज़ार लड्डू बन चुके हैं, बाकी बनने की तैयारी है और पैक करके सबको भेजने की, देने की तैयारी है. सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे और सारे लड्डू देसी घी से बनाए हुए हैं और उनमें 25 कारीगर बाहर से आए हुए थे. उन्होंने 2 दिन में इनको कंप्लीट किया. एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति पद पर बैठने की खुशी क्या हो सकती है, ये उनके गांव में देखने को मिलती है. और ये वो स्कूल है पहाड़पुर पे जो वो चलाती हैं. यहाँ के सारे छात्र उन्हीं के छात्र हैं. कभी किसी ने उनसे पढ़ाई की है तो कभी किसी ने उनके साथ समय बिताया है. कितना खुशी का माहौल है आज. हम बहुत खुश हैं और सुबह से यहाँ पे डांस कर रहे हैं और उनका फलाफल जानने के बाद हम बहुत खुश होंगे और भी डांस करेंगे. रात को भी पार्टी रखी है. सब पार्टी है. कितनी तैयारी, कितना बड़ा दिन है क्योंकि पढ़ा भी है उनसे, टीचर भी रही है. बहुत खुश है वो. आज हम लोग पढ़ाई छोड़ कर ये प्रोग्राम रखे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. जितनी महिलाएं, माने बच्चे जितने हैं, उतनी ही लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उतने ही उत्साहित हैं. आज का दिन कितना बड़ा दिन है, कितना उत्साह. बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुश लग रहा है आज. अच्छा, डांस क्यों कर रहे हो, खुशी है दिवाली आज. खुशी, बहुत खुश है. बहुत खुश है जी. जब वो आएंगे हम केक कटिंग करेंगे और एक रखा है सरप्राइज. सरप्राइज है. बच्चों का दिल ठीक ऐसा ही होता है, नरम और मर्म दोनों उसमें होता है, लेकिन कारण नहीं होती है क्योंकि प्यार तो एकदम निर्भाव होता है, उतना ही प्योर होता है जितना प्रकृति के नियम. कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, ऊपर बेड़ा, एबीपी न्यूज. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.